भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बैंक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। ऐसे में बढ़ रहे एनपीए बैंकों के लिए मुसीबतें खड़ी करते जा रहे हैं। तो क्या होता है एनपीए, देखिए इस रिपोर्ट में। बैंकों के एनपीए बढ़ने लगते हैं तो बैंकों की हालत भी बद से बदतर होने लगती है। साल 2008 में भारतीय कंपनियों को भी मंदी का शिकार होना पड़ा था। मंदी के दौर से बाहर आने के बाद बैंकों ने बड़ी कंपनियों को कर्ज देने में उनकी वित्तीय स्थिति और क्रेडिट रेटिंग की अनदेखी की। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था एनपीए के जाल में फंसने लगी। कभी देश के पांचवें नंबर के प्राइवेट बैंक रहे यस बैंक के संकट में घिरने के बाद से बैंकों की सेहत पर सवाल उठने लगे हैं। बैंकों के ग्रॉस एनपीए की बात करें तो सरकार की ओर से हाल ही में निजी हाथों में सौंपे गए आईडीबीआई बैंक का 28.7% ग्रॉस एनपीए है। लक्ष्मी विलास बैंक का 23.3% ग्रॉस एनपीए है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 20% एनपीए है। यूको बैंक, सरकारी क्षेत्र के इस वित्तीय बैंक का 19.5% ग्रॉस एनपीए है। इंडियन बैंक के साथ 1 अप्रैल से विलय होने वाले इलाहाबाद बैंक का 18.9% एनपीए है। ये तो थे वो 5 बैंक जिनकी एनपीए की हालत क्या है, लेकिन कुछ ऐसे भी बैंक हैं जिनके एनपीए की हालत बेहतर है और जिनका एनपीए कम है। सबसे कम ग्रॉस एनपीए एचडीएफसी बैंक का 1.4% है। बंधन बैंक का एनपीए 1.9% है और डीसीबी बैंक का 2.2% एनपीए है। इंडसइंड बैंक का 2.2% एनपीए है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक का 2.5% एनपीए है। बढ़ते एनपीए का बैंकों पर 3 मुख्य प्रभाव पड़ता है। उनकी लोन देने की क्षमता घट जाती है, मुनाफे में कमी आती है, उनके नकदी का प्रवाह घट जाता है। आखिर क्या होता है एनपीए, जिसके बढ़ने के बाद बैंकों की हालत बद से बदतर हो जाती है? क्या होता है ग्रॉस एनपीए? किसी भी बैंक की ओर से जारी किए गए लोन का वो हिस्सा एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है, जिसे कर्ज धारक लौटा ना रहे हो। लगातार 3 महीने तक कर्ज की किस्त या फिर ब्याज ना चुकाने पर बचे हुए अमाउंट को एनपीए माना जाता है।